हेलो दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं वेरी गुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट अवे यू आर नॉट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स बट यू एम टू क्लियर दिस एग्जाम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट अवे देर इज़ नो अदर वे ये जो टाइम है ये आपको मेंस के ऊपर ही फोकस करना है जैसे ना एक रैंकर uh, थे एंड शी हैडेंट इन क्लियर द प्री इन द लास्ट थ्री अटेम्प्ट एंड इन द फोर्थ शी क्लेयर द प्री एंड शी क्लियर द मेंस एंड एज डिड इन फैक्ट गॉट अ रैंक और उन्होंने भी यही बोला था कि वो मेंस जब मेंस का पेपर होता था तो ही यूज्ड टू प्रिपेयर विद हिज फ्रेंड एंड बस ये फर्क था कि उनका फ्रेंड एक सेंटर में जाकर मेन्स के पेपर लिख रहा है एंड ही यूज टू राइट एट अ डे आफ्टर इन हिज रूम बट द प्रपरेशन ऑफ मेन्स वॉज नेवर ऑफ द चार्ट बिकॉज प्री क्लियर नहीं हुआ तो देखो स्ट्रैटेजी यही है अगर देखो अगेन पेपर वॉज इंट टफ लास्ट ईयर की तरह तो कट ऑफ इज बाउंड टू राइस लेकिन कितना वो कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता आपको 90 प्लस वाले भी मिलेंगे आपको 100 प्लस वाले भी मिलेंगे है ना और आपको 105 कट ऑफ बोलते हुए भी मिलेंगे यू कैन नॉट प्रोडिक्ट एंड यू नो 90 टू 105 ऑफ फाइव इज अ बिग रेंज तो आप तैयारी कीजिए बीस इक्कीस दिन में रिजल्ट आ जाएगा प्री होता है बहुत अच्छी बात है मेंस की तैयारी चल रही हो गई प्री नहीं होता है डोंट लूज हार्ट स्पेशली इफ यू आर एमिंग टू राइट अनदर अटेम्प्ट तो मैं तो यही कहूँगी कि मेन्स की तैयारी कीजिए उसके बाद अब देखिए मेन्स इस साल बीस सेप्टेम्बर को है प्री पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस मेंस उसी टाइम पर है द टाइम हैज़ डिक्रीज बिटवीन प्री एंड मेंस। तो बहुत कुछ प्रिपेयर करना है आपको जीएस प्रिपेयर करना है आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है आपको एस प्रिपेयर करना है एंड यू नो अगर हम मेंस की तैयारी देखें तो प्री में ना लीनियर नहीं होती तैयारी आपने बहुत कुछ पढ़ा लेट्स से आपने एनवायरमेंट में ना बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े और हो सकता है कि जो सौ क्वेश्चन आए ना उनमें से एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया वेरी मच पॉसिबल लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता मेंस में ना लीनियर है आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा राइट right? आप उस डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए उस टॉपिक में से जो आपने पढ़ा है जिसको समराइज किया है जिसके ऊपर फ्रेमवर्क्स बनाए हैं जिसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको रटे हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए लेकिन वो इंफॉर्मेशन ना अगर आपने इंटरनलाइज की हुई है आप कहीं और किसी और आंसर में भी उसको लिख सकते हो जो रिलेटेड हो तो काफ़ी लीनियर प्रेपरेशन है मेंस की और इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि मेंस इज़ द मोस्ट प्रडिक्टेबल पार्ट सो मेक द मोस्ट ऑफ इट मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम सो कमिंग बैक 96 डेज है बहुत ज़्यादा दिन नहीं है अगर हम प्री और मेंस के बीच में देखें तो और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आप लैक्स कर रहे हैं तो उस पर तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी है वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फेरी करेगा तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी उसके बाद मेंस की तैयारी जैसे मैंने बताया लीनियर है जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और मेंस में ना एक बहुत ही स्लाइट डिफ्रेंसीशन है आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ में मेन्स की टेस्ट सीरीज में आपको ना आंसर राइटिंग को एक स्किल की तरह डेवलप करना है आपको रोज़ आंसर्स लिखने हैं फॉर इंस्टेंस यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग वन आंसर एवरी डे टू आंसर्स एवरी डे एंड देन हैव टू फाइव और सिक्स आप एक हफ्ते में दस दिन में ही देखेंगे आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव होती जा रही है लिखने के लिए आप दस मिनट भी ले सकते हैं पंद्रह मिनट भी ले सकते हैं आइडियल केस तो ये होता है जो टेन मार्कर्स है उसके लिए यू शुड टेक सेवन मिनट एंड फॉर फिफ्टीन मार्कर्स यू शुड टेक नाइन टू टेन मिनट्स है ना आइडियल सिनारियो तो ये होता है तो अब पहले तो आप आंसर राइटिंग को डेवलप करते हैं उसके बाद तो आप उसको टाइम स्पैन में डेवलप करते हैं दैट इज वेर टेस्ट सीरीज कामन टू प्ले अब मेंस की प्रेपरेशन में ना आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आंसर राइटिंग आपको स्किल डेवलप करना है और आपको वो आंसर्स टाइम बाउंड भी लिखने हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है अभी टेस्ट सीरीज ना फुल लेंथ नहीं हो सकती हर बार कि 20 क्वेश्चन ही आप लिख रहे हो तीन घंटे में यू कैन ऑल्सो स्टार्ट बाई राइटिंग लेट्स टेन क्वेश्चन इन वन पॉइंट फाइव आर्स और फाइव क्वेश्चन इन फोर्टी फाइव मिनट्स और वन क्वेश्चन वन टेन मार्कर इन सेवन मिनट्स और वन फिफ्टीन मार्कर इन टेन मिनट्स दैट कैन ऑल्सो बी द वे अहेड और उसी कारण हम एक कोर्स लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं मेंस अ डे कोर्स अब मेंस अ डे कोर्स ना हर रोज मंडे टू थर्सडे हम हर रोज बारह बजे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है एंड दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल ठीक है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल होगा हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस होगा अब हर एक दिन जो एक न, ये क्वेश्चन डिस्कस होगा ना ये क्वेश्चन होगा इसके आपको डिटेल्ड आंसर्स दिए जाएंगे और आपको ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर बात होगी तो अगर आपको लगता है आप आंसर राइटिंग में पीछे हैं तो वो स्किल तो ज़रूर डेवलप कीजिए और अगर आपको लगता है आप ठीक ठाक आंसर्स लिख चुके हैं प्री से पहले देन जस्ट राइट इट विद इन अ टाइम लिमिट अब ना डिटेल्ड आंसर्स का मतलब पता है क्या है कि स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए बॉडी में क्या होना चाहिए कंक्लूजन में क्या होना चाहिए सो यू विल फोकस नॉट ओनली ऑन द स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बट ऑल्सो द कंटेंट इन दैप जैसे ना इंट्रोडक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं और बहुत बार ना बहुत सारे टॉपर्स ने तो इंट्रोडक्शन याद ही किए होते हैं राइट right? कि आप पी वाई क्यूज देखो लेट से एस एच जीज पे क्वेश्चन आया है तो आप एस एच जीज याद कर लो ठीक है किसी पॉलिटी से क्वेश्चन आया है कोई जजमेंट के ऊपर है आप लेट से पल्यूशन के ऊपर है आप पल्यूशन से रिलेटेड जजमेंट लिख सकते हो प्रेजिडेंट पे क्वेश्चन आया आर्टिकल लिख सकते हो राइट right. इलेक्शन पे क्वेश्चन आया है तो आप उसके रिगार्डिंग जो भी आपने करंट में कुछ पढ़ा है उसको आप लिख सकते हो तो इंट्रोडक्शन में आप करंट अफेयर्स डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में आप जजमेंट्स डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में आप आर्टिकल्स डाल सकते हो पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं अगर उससे रिलेटेड वो डाल सकते हो या कोई केस स्टडी है कोई एग्जाम्पल है वो डाल सकते हो तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होने चाहिए उनको आप याद कर सकते हो ताकि एग्जाम में हो तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होना चाहिए उसको सोचने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करो तब आप सात मिनट में बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे फिर उसके बाद बॉडी में क्या क्या फ्रेमवर्क्स हम यूज़ कर सकते हैं निमोनिक्स होते हैं फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइन डायग्राम्स होते हैं जैसे ऐसे लाइन डायग्राम्स आप बना सकते हो आप वेन डायग्राम्स बना सकते हो जोग्राफी में कौन सा डायग्राम आप बना सकते हो कौन से और सब्जेक्ट्स में हम डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना हम इन क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं फिफ्टी सिक्स रहेंगे ये Uh, हर हफ्ते हम चार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली इसको हम और एलेबोरेटली भी करेंगे दैट इज़ डन इन द पेड कोर्सेज अगर आप मेंस क्रैश कोर्स लेते हो सो दैट इज कंटेंट ओनली कोर्स उसमें आपको आप देखो आंसर लिखने के लिए ना नोट्स ज़रूरी हैं है ना आप आंसर्स लिखने के लिए नोट्स ज़रूरी हैं उनका रिविजन ज़रूरी है और उनको ना आपको इंटरनलाइज करना होता है ताकि जब आप आंसर लिखो ना ऑटोमेटिकली वो आए अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में चीजें याद करने में चीजें रिलेट करने में और उसके इसमें पता क्या होता है आप बाहर आते हो एग्जामिनेशन हॉल से और आपको लगता है ओ ये लिख देना चाहिए था ये लिख देना चाहिए था तो वैसा ना हो उसके लिए आपको नोट्स भी चाहिए तो वो नोट्स हम मीन crash में कवर करेंगे इलेबोरेटली अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी मीन्स टेस्ट सीरीज भी है लेकिन दिस इज वन फ्री इनिशिएटिव दैट यू कैन मेक द मोस्ट यूज ऑफ एंड इट इज एज गुड बिकॉज एंड यू नो ऑल ऑफ आर कोर्सिस आर क्यूरेटेड बाई द फैकल्टी हर एक क्वेश्चन फैकल्टी बना रही है हर एक मेन्स टेस्ट सीरीज का आंसर फैकल्टी बना रही है मेन स्क्रैच का जो कॉन्टेंट है वो भी फैकल्टी बना रही है तो वो भी एक अडिशनल फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन केस यू वॉन्ट टू एसोसिएट योरसेल्फ विथ सीबी क्लासेस बट हाँ ये एक फ्री कॉज है नथिंग टू लूज आपके हर रोज़ दस पंद्रह मिनट लगेंगे टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड पिछले साल भी हमने किया था और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल सकसे, था होपफुली इस साल भी सक्सेसफुल होगा इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट नहीं बट थीम्स जरूर रिपीट होती हैं और वो थीम्स का ये होता है कि आप फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हो लाइन डायग्राम्स एग्जाम्पल्स केस स्टडीज इन सबको अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो हैविंग सेड दैट हमारा मीन्स का क्रैश कॉस् भी है विच इज़ प्राइज एट सिक्सटी सेवन फिफ्टी अब इसमें ना हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसका आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा ठीक है उसकी समरी प्रोवाइड करवाई जाएगी और करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स न्यूज में हैं जो इस साल के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं मेजॉरिटी टॉपिक्स वुड बी कवर्ड दैट इज द असेंस ऑफ दिस क्रैश कोर्स ठीक है एंड लाइक आई सेड आंसर राइटिंग में ये जरूरी होता है तो ये जरूरी है आप अपने नोट्स बनाइए आप किसी और से नोट्स लीजिए बट आपको अपने नोट्स को करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करना है एग्जाम्पल्स के साथ अपडेट करना है पॉल्यूशन जैसे एक टॉपिक है उसमें ना मल्टीपल केस स्टडीज है जैसे आपने पढ़ा होगा आज क्वेश्चन भी आई मेमब्रेन बायो पे क्वेश्चन है बायोट्रिक पे क्वेश्चन है ऐसी एग्जाम्पल्स अपडेटेड एग्जाम्पल्स हैं ना ये आपको कोट करनी है अपने आंसर्स में तो वही ये नोट्स का पर्पज़ है कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और ये हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर दें एंड देन वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज कोर्स ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें दर इज ऑल्सो मेंटरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर भी वो है एंड वी ऑल्सो हैव पी वाई क्यू कोर्स वी ऑल्सो हैव एन एस ए कोर्स सो मल्टीपल कोर्सेज हैं मीन्स को लेकर लेकिन क्रैश कोर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉच कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट टाइम इससे पहले हम क्यू एंड ए फॉर्म में करते थे दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर प्रोवाइडिंग द नोट्स बिकॉज नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मीन्स में खैर अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करें ना करें आप हमारे मीन्स और डे इनिशिएटिव को जरूर फॉलो करें फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरी वीक डे मंडे टू थर्सडे 12 पीएम ऑन यूट्यूब सो सी यू देयर एंड ऑल द बेस्ट और मैं एक और चीज़ बोलूंगी कट ऑफ की डेलिब्रेशन में कितनी कट ऑफ जाएगा प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए मीन्स की तैयारी कीजिए इस साल अगर क्लियर हो गया आप प्रीलम्स इस साल आप मीन्स लिखेंगे नहीं तो अगले साल आप मीन्स लिखेंगे बट मीन्स रेडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है राइट सो दैट वॉज फॉर माई एंड थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे